सो वेलकम गाइस टू माय चैनल वन मिस्टेक गेमर गेमर। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टेडी गेमिंग का माइनक्राफ्ट वर्ल्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, वो भी MCPE में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में पासवर्ड भी है तो पासवर्ड के लिए वीडियो पूरा देना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और सबसे पहले मैं आपको पूरा वर्ल्ड माइनक्राफ्ट का इनका वर्ल्ड दिखाई देता हूँ। ये देखिए गाइस बहुत बड़ा है। तो गाइस नीचे नेदर पोर्टल और क्रीपर फार्म, ये उनका वीट फार्म और ये उनका पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या है। तो ये सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। पासवर्ड के लिए वीडियो पूरा देना और मैं आपको इसकी लिंक मीडिया फाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में डाउनलोड प्रोसेस एंड इसे कैसे लगाना है सब बताया हुआ है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलते हैं वीडियो तरफ। तो सबसे पहले ये होल, जैसे आप प्रेशर प्लेट पर पकड़ पे रखोगे तो आपके आएगा ये पता नहीं क्या, बाय टाइप आयुष गेमर। तो ये फिर आप सामने जाओगे तो आपको मिलेगा नेदर पोर्टल, फिर यहाँ से सीढ़ियाँ, यहाँ पे ये होल है, सॉरी हॉल नहीं लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा एक ब्रिज और ये छोटा सा टावर जो कि ऐसे ही है, ये ब्रिज और नीचे है एक और बड़ा सा हॉल, इस तरफ हॉल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हॉल। और यहाँ पे दो स्केलेटन से निकलो, यहाँ से तुम्हारी निकलो, यहाँ से निकल, तू निकल, तेरी भैंस के यहाँ निकल यहाँ से। और चलते हैं दूसरे हॉल में, तो थोड़ा उड़ के चलते हैं तो फाइट चले। और ये है एक और हॉल, यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर आते हैं वापस हवा में उड़ते हैं। ये देखिए ये है उनके तीन हॉल्स, जिसमें दो लाइब्रेरी है दो हॉल्स में और एक बड़ा सा हॉल। और ये है उनका कैरेट फार्म, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, यहाँ इस ये इसका प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कुछ विलेजर्स है और ये कैरेट तोड़ रहे हैं। और यहाँ पे इनका चेस्ट जिसमें वो पूरा कैरेट आती है सामान, ये देखिए आप आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ सही से। ये देखिए कैरेट्स कैसी स्पीड में आ रही है, गाजर। और ये है उनका ये बड़ा सा पता नहीं क्या है, ये है उनका वीट फार्म बिगेस्ट। तो इसको यहाँ गलती से हमने वीट तोड़ दी, तो आपको मिलेगा ये वीट फार्म के चेस्ट की तरफ एक बटन, तो ये बटन आपको ले जाएगा ओशियन मोन्यूमेंट में जो कि टेडी भाई का बनाया हुआ है। तो हियर इट इज़ गाइस, हम आ चुके हैं ओशियन मोन्यूमेंट में। तो देख सकते हो गाइस क्या ही बड़ा ओशियन मोन्यूमेंट है, इनकी चेस्ट में जो भी फिश मरती है तो वो उनका सामान यहाँ पे आ जाता है। आप जैसे ही प्रेशर प्लेट पर पैर रखोगे आप वापस वर्ल्ड में आ जाओगे। ये है उनका छोटा सा फिश फार्म, इससे बाहर निकलते हैं। और इस वीट फार्म का लीवर कहाँ पे यार, यहाँ पे तो नहीं है, क्या चेस्ट करने से एक्टिवेट हो गई है, क्या पता ट्रैप चेस्ट हो, देखते हैं, नहीं हुआ, कहाँ पे है, थोड़ा आगे चल के देखते हैं कहाँ पे टकराऊं। इधर आके देखते हैं, यहाँ पे कुछ डिस्पेंसर है और यहाँ पे लीवर तो नहीं है इसलिए हम खुद लीवर निकाल लेते हैं आपको दिखाने के लिए। लीजिए यहाँ पे लिख लिया, इस ऑन करेंगे तो ये देखो भाई इतना बड़ा बिग फार्म है कि मेरा गेम ही लेग हो गया पूरा, और गेम ही लेग हो गया मेरा तो। सो गाइस जो मैं आपको वर्ल्ड की मीडिया फाइलिंग दूंगा उसमें पहले से लीवर लगा हुआ होगा, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है,
और ये देखिए पूरी भीड़ साफ हो गई है साथ। अभी शटर को वापस बंद कर देते हैं और ये लो ये हो गया वाटर बंद। क्या ही लेग हो रहा है गेम। ये यहाँ पे एक बीट बच गई। इस चेस्ट में देख सकते हैं आप वीट आ रही है। ये दो लामा घूम रहे हैं आराम से। यहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड का एंड पोर्टल, उसके साथ है एक आयरन गोलम फार्म। मैं आपको ऊपर जाके भी दिखाऊंगा। फिर चेस्ट में देखते हैं कुछ है या नहीं। कुछ नहीं है, ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे विलेजर्स, यहाँ पे भी एक और चेस्ट है, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पे ऊपर एक लावा है और पानी है, लेकिन यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन नहीं हो रहे हैं। ये है उनका एक पोटैटो फार्म, तो ये है उनका पम्पकिन फार्म जो कि पूरा खाली है लगभग। ये है उनका शुगर कैन फार्म, ये है उनका पता नहीं कौन सा फार्म है। गाइस ये है लाइब्रेरी नहीं, ये एक बड़ा सा हॉल है। फिर इस तरफ चलते हैं, इस तरफ भी एक फार्म है सामने जैसा आप देख सकते हैं बड़ा। यहाँ पे एक कोबल स्टोन फार्म जो कि अच्छे से वर्क कर रहा है, मतलब 5-5 वॉल्स है कोबल स्टोन की। और देखते चेस्ट में क्या है। चेस्ट में 2 स्टैक कोबल स्टोन है, इसमें कुछ नहीं है, ये चेस्ट खाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैंने आपको वर्ल्ड दिखा दिया। अभी चलते हैं डाउनलोड प्रोसेस की तरफ। तो डाउनलोड प्रोसेस करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जैसे ही सिंपली आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आओगे। यहाँ से आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका वर्ल्ड डाउनलोड हो जाएगा। मेरे करा हुआ है इसलिए मैं नहीं करूँगा। यहाँ से कैंसिल करते हैं, फिर आपको आना है डाउनलोड्स में। फिर यहाँ से उस जिप फाइल पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे नीचे ऑप्शन आएगा तो आपको जेड आर्चीवर की भी लिंक दे दूंगा। फिर आपको यहाँ जैसे जेड आर्चीवर क्लिक करोगे आप यहाँ पे आओगे तो इस फोल्डर में 2 वर्ल्ड है, एक जावा के लिए और एक एमसीपी के लिए। सिंपली से आपको नीचे वाले पे क्लिक दबाए रखना और कॉपी। फिर आपको 2 डॉट्स, फिर आपको गेम्स मोजैंग माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स एंड यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। और पेस्ट के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ ये रहा बटन। और जैसे आप पेस्ट पर क्लिक करो आपको पासवर्ड मांगे, पासवर्ड मैंने वीडियो में दे दिया है तो आप वहाँ से देखे कर सकते हैं। मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। तो वैसे पासवर्ड सिंपली से 2 डिजिट का है। और जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपकी सीधे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन मेरे नहीं हो रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी की हुई है। तो बस गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, वीडियो शेयर करना, कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। और हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।